माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिनेरेरिया फ्लावर के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। दोस्तों, मुझे ये फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लगता है। जितनी सुंदर इनकी पंक्तियाँ हैं, उतनी ही सुंदर इसके फ्लावर हैं। ये फ्लावर बंच में खिलते हैं और इसके फूल 15-20 दिनों तक ताज़ा रहते हैं। इसे सेमी सेट का पौधा है और वाटरिंग भी इसे कम ही करना रहता है। मैंने ये पौधा तीसरी बार उगाया है। ये सर्दियों का बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है। इसके फ्लावर काफ़ी ब्राइट कलर के होते हैं। मैंने नवंबर में इसकी सीडलिंग लगाई थी, शायद 12-14 रुपए में एक पौध मिली थी। तभी से मैंने इस पौधे को अपनी पूरी लगन के साथ एक एक दिन करके खिलने का इंतज़ार किया। अगर इसकी सॉइल की बात करें तो मैंने इसके सॉइल में बर्मी कंपोस्ट और कोको पीट मिलाकर इसकी मिट्टी बनाई थी और इसी में मैंने उगाया है। एक बार मैंने मस्टर्ड के कप लिक्विड फर्टिलाइजर दिया और दूसरी बार मैंने सीबीडी एक्सट्रैक्ट ग्रैनुल्स भी दिए, 4-5 दाने, और इसी का इतना सुंदर रिजल्ट मिला है। फ्रेंड्स, आप भी विंटर में इस पौधे को ज़रूर उगाइए। और इसके नीचे इसकी पत्तियाँ पूरी मिट्टियों के साथ लगी होती हैं, इसलिए ड्राई पत्तियों को निकाल दें तो फंगस का इफेक्ट होने लगेगा। और इसके मुरझाए हुए फूल भी तोड़ते रहें, पिंच करते रहें, ताकि नई कलियां खिल सकें, क्योंकि इसके बंच इतने घने होते हैं कि अंदर वाले फूलों में कलियों का मौका ही नहीं मिलता ऊपर आने का। इसलिए हमेशा टाइम टाइम पर इसे पिंच करते रहें तो और ये पौधा और भी खूबसूरत हो जाता है। दोस्तों, अगर मेरे चैनल में के वीडियो में अच्छे लगते हैं तो ज़रूर कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें। कोई कमी है तो उसके लिए भी कमेंट करें, और गार्डनिंग से रिलेटेड कोई टिप्स चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करें। और इसी तरह से मेरा चैनल के हर एक वीडियो को प्रोत्साहन देते रहें। तो ओके माय फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।